अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसका टॉपिक है अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट एरर इन सिविल 3D और रॉन्ग लोकेशन ऑफ अलाइनमेंट फ्रॉम पॉलीलाइन। तो ऑटो कैट एंट्री जो पॉलीलाइन ड्राइंग में मौजूद है, उससे जब वो अलाइनमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे क्रिएट होने के बजाय ड्राइंग स्पेस में, मॉडल स्पेस में किसी दूसरी जगह पे जाके क्रिएट हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को हम आज देखेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे आ रहा है और इसका सलूशन क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। यहाँ स्क्रीन पे आप लोग ये एक अलाइनमेंट नज़र आ रही है आप लोगों को, ठीक है। ये वो ड्राइंग है जो मुझे सेंड की गई है जिसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको अब हम देखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम आ क्या रहा है। ये हमारे पास एक पॉली लाइन है, यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी में ये जो इसकी लेयर वगैरह है और हर चीज़ जो है यहाँ पर नज़र आ रही है, ये जीरो एलिवेशन पे है, इसकी थिकनेस वगैरह भी कुछ नहीं है। और यहाँ पे ये जो है ये इसका जो मिसलेनियस प्रॉपर्टी है ये यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी हम इसको क्रिएट करके देखें। पहले मैं यहाँ पे जेड इंटर ई इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस ड्राइंग में यही एक ही ऑब्जेक्ट है पॉलीलाइन का और साथ में ये इसके टेक्स्ट है। तो अभी हम इससे क्रिएट करके देखते हैं कि इसमें कैसे आता है ये। तो यहाँ पे क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ये टूल लिया मैंने, और यहाँ पे एक चीज़ जो हमने देखना है, ठीक है, वो इस लाइन की डायरेक्शन है, क्या ये इसी साइड से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी में यहाँ पे देख लेते हैं, ये करंट वर्टेक्स जो है, ठीक है, ये वन पे है ऑलरेडी। जैसे मैं टू करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये सेकंड वाले पे यहाँ पे मूव हो गया। अगर मैं इसको वापस वन पे करता हूँ तो ये वन पे, तो इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो इसी साइड से ही है। तो अभी हम इसको जो है वो क्रिएट करके देखते हैं अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने इसको, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। डायरेक्शन हमें शो हो रही है, ये इसी डायरेक्शन में हमें ये अलाइनमेंट क्रिएट करनी है। मैं यहाँ पे इसको कोई भी एक नाम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन आप चेक रखें ना रखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ है, जबकि जब मैं इसको जूम आउट करता हूँ, जेड इंटर जूम एक्सटेंड करता हूँ, तो यहाँ पे अभी अगर आप देखें, यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ, तो जो हमारी पॉली लाइन थी वो यहाँ पे थी, ये आप लोग देख सकते हैं, और जो हमारी अलाइनमेंट क्रिएट हुई है वो यहाँ पे आके क्रिएट हुई है, जो उससे बहुत ज़्यादा दूर है, और इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये टोटली रॉन्ग है, यही प्रॉब्लम है जो उनको आ रहा है यहाँ पे। तो मैंने इसको यहाँ पे जो है अनडू कर दिया है। अभी हम सेम जो पॉली लाइन है इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और न्यू ड्राइंग में ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट विद ओरिजिनल कोऑर्डिनेट कर दिया, जेड इंटर ई इंटर। अभी हम फिर इस पे अलाइनमेंट क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पे क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, एंटर प्रेस किया, और इसको भी मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे देता हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम हमने ये अनचेक किए थे, अभी ये एज इट इज ही मैं छोड़ रहा हूँ इनको, और मैं जस्ट ओके करता हूँ। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये फिर अपनी ओरिजिनल पोजिशन को छोड़ते हुए दूसरी जगह पे जाके सेम उसी तरीके से उल्टी जो है वो यहाँ पे ये क्रिएट हो गई है। तो हमें जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं इसको। ओके, अभी हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी ये पॉली लाइन है, ठीक है, इसके साथ मैं एक और पॉली लाइन क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, ये इसका एंड पॉइंट है। ओके, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लाके मैंने इसको एंटर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं बाउंड्री की कमांड देता हूँ। ओके, यहाँ से मैंने इसको ये बाउंड्री बना दिया, अभी ये एक पॉली लाइन हमारी बन गई है यहाँ पे, ठीक है। ओके, अभी मैं इसी जो हमने पॉली लाइन बनाई है इसी को मैं ब्रेक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने पॉली लाइन किया, आप फर्स्ट यहाँ से ले सकते हैं, मैंने इसको यहाँ पे ब्रेक करना है तो मैं इसको ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। अभी फिर सेम कमांड मैं रिपीट करता हूँ पॉली लाइन, और यहाँ पे जो है मैंने इसको ब्रेक कर दिया। ओके, ये लाइन जो है हमें अभी रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो
ये रेड कलर की जो पॉलीलाइन है वो ओरिजिनल पॉलीलाइन थी और ये वो है जो अभी हमने बाउंड्री से क्रिएट की है। ओके, यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो मैं अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट करता हूँ और इस पॉलीलाइन को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ओके, एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ए का नाम दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पे ये जो है अभी ये यहाँ पे मैं इस एंटिटी को अरेंज कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी एक जेन्युइन जो ओरिजिनल जो है वो एंटिटी इसके नीचे मौजूद है। मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अलाइनमेंट हमारी बन गई है और बिल्कुल सेम उसी जगह पे बनी है। ठीक है, इसको आपने रीजन कर लेना है एक दफा। ओके, यहाँ पे अभी हम इसको देख लेते हैं कि कहीं से ये आगे पीछे तो नहीं है इसमें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं। ओके, जूम करके आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये अपनी पोजीशन पे है कि नहीं है। ओके, इसको आपने रीजन करना है बस, तो आपको जो भी अगर इसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है तो वो ये बराबर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया, अभी इसकी हम अलाइनमेंट रिपोर्ट क्रिएट करके देख लेते हैं कि ये इसकी अलाइनमेंट क्रिएट होती है या नहीं होती है रिपोर्ट। ओके, इस पे अगर आप लेबल लगा के देखना चाहें, ठीक है, तो लेबल भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे अलाइनमेंट पे लेबल लगा के चेक करा देता हूँ आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पे यही जो है इसका डिस्टेंस है। मैं जस्ट इसको अप्लाई और ओके करता हूँ। यहाँ पे ये लेबल भी लग गए हैं और इसकी लेंथ भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेम वही लेंथ आ रही है जो ड्राइंग में मौजूद थी उस टाइम में। अभी हम इसकी रिपोर्ट भी देख लेते हैं यहाँ पे कि रिपोर्ट इसकी जनरेट होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पे पहले हम स्टेशन और कर्व की जो रिपोर्ट है वो जनरेट करके देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे ओके ये स्टेशन एंड कर्व है। मैं जस्ट इसको रिप्लेस करता हूँ। रिपोर्ट हमारी जनरेट हो रही है। ओके, ये अभी ओपन हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो है रिपोर्ट जनरेट हो गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो स्टेशन प्रॉब्लम है, ठीक है, ये सिविल 3D में बाय डिफॉल्ट आ जाता है। ओके, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, यहाँ पे अभी आपने इसको फिल्टर लगाना है। यहाँ पे मैंने इसको फिल्टर लगाया। ओके, और यहाँ पे हमारे पास जो स्टेशन है उनमें ये सिंबल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया। ओके, ये हो गया। अभी यहाँ पे आपने इसको क्या करना है, मैं यहाँ पे इनको मैंने सिलेक्ट कर लिया और फॉर्मेट सेल में चला जाता हूँ। फॉर्मेट सेल में यहाँ पे मैंने यहाँ कस्टम में आ गया और 00+00.00 ये मैंने इसका पैटर्न रख दिया है। ओके, और अभी यहाँ पे जो है मैं इसको कंट्रोल एफ करता हूँ, प्लस करता हूँ और यहाँ पे ये जो है मैं रिप्लेस आल कर देता हूँ। ओके, क्लोज। ओके, इसको मैं अंडू करता हूँ एक दफा। ओके, यहाँ पे मैं इसको मैंने सेलेक्ट किया, गो टू स्पेशल में गया मैं यहाँ पे और यहाँ पे विजिबल सेल को मैंने एक्टिव किया और यहाँ पे अभी जो है मैंने राइट क्लिक किया। गो टू स्पेशल, ओके, विजिबल सेल ओनली। ओके, यहाँ पे मैंने कंट्रोल वन किया तो ये मेरे पास ये विंडो आ गई है। यहाँ पे ये जो कस्टम है यहाँ से मैंने इसको ये फॉर्मेट दे दिया। ओके, और अभी यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एफ। ओके, मैंने यहाँ पे प्लस एंटर किया और प्लेस रिप्लेस आर पे मैंने क्लिक किया। ओके ओके, अभी इसका ये जो फिल्टर है वो मैंने खत्म कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एज इट इज जो डाटा था इसका वो आ गया यहाँ पे। इस कॉलम को मैंने अभी सिलेक्ट किया। ओके, और यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो फॉर्मेट था स्टेशन का इसका ये भी ठीक हो गया है और यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है हमारी कंप्लीट हो गई, यहाँ पे आ गई है। ठीक हो गया, अभी हम दूसरी रिपोर्ट जनरेट करके देख लेते हैं इसकी यहाँ पे। ओके, अभी हमने कोऑर्डिनेट की अगर रिपोर्ट लेनी है, ठीक है, तो मैं ये भी जनरेट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। 10, ओके, और यहाँ पे हम इसकी ये रिपोर्ट ले लेते हैं, ठीक है, सेव, यस, ओके, क्रिएट रिपोर्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
एयरपोर्ट भी यहाँ पे बन के आ गई है। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस तरह का अगर आप किसी को ये एरर फेस करना पड़ता है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।